हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली बहुत ही डिफरेंट टी टाइम स्नैक्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी, वो भी लेफ्ट ओवर इडली के साथ। तो इसके लिए मैंने लिया 4 इडली, 1/4 का बेसन है, करिया पत्ती का स्ट्रिप है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और प्याज बारीक कटा हुआ। इसके अलावा नमक, मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, अजवाइन, हिंग, हल्दी और तेल तलने के लिए। सबसे पहले मैं इडलियों को अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है और आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसे खाकर आपके गेस्ट गेस ही नहीं कर पाएंगे कि ये लेफ्ट ओवर इडली का बना हुआ है। मैंने इडलियों को मैश कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप बेसन। बेसन डाल के अब मैं बाकी सारी चीज़ें डालूँगी। सबसे पहले मैं करिया पत्ती को बारीक काट के डाल रही हूँ, फिर उसके बाद बारीक कटा प्याज, बारीक कटी धनिया पत्ती, बारीक कटी हरी मिर्च। अब आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे मैं खिसके डाल रही हूँ। उसके बाद हल्दी 1/2 टीस्पून, हिंग 1/4 टीस्पून, भुना जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके अलावा 1/2 टीस्पून अजवाइन है। अगर आपको ऑयली फूड से प्रॉब्लम है तो अजवाइन डालना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इडली नरम होती है इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये जो डो हार्ड होता है, सूखा सूखा बनता है, तो आप 2 चम्मच पानी डाल देना। मेरा आटा एकदम परफेक्ट है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला। अगर आपको ज़रूरत लगता है, सूखा लगता है, तो 2 स्पून पानी डालना। तेल गर्म होने रख दिया था, तेल गर्म हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पकोड़े। पकोड़े आपको जिस शेप के, जिस साइज़ के बनाने, उस साइज़ के डालना। डाल के मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करना है। ये पकोड़े बहुत जल्दी भी बनते हैं, बहुत टेस्टी भी हैं। बच्चे जनरली एक बार इडली खाने के बाद दोबारा खाना पसंद नहीं करते, तो इडली को इस तरीके से या तो पकोड़े बनाओ या तो इसका उपमा बनाओ। बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। अब सारे पकोड़े फ्राई हो गए, मैं इन्हें निकाल रही हूँ। निकाल के सेम इसी तरह मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए मैं बाकी सारे पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके मैंने इन्हें सर्व किया टमाटो सॉस और फ्राइड चिल्ली के साथ। आप भी ये टेस्टी पकोड़े बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।